दोस्तों, देश में जिस तरीके से राम मंदिर उद्घाटन के बाद लगातार हिंसा भर की सांप्रदायिक हिंसा हुई और सांप्रदायिक माहौल बना, तनावपूर्ण माहौल बना, उसके बाद से लगातार ये सवाल उठते हैं कि आखिर क्या इस तरीके के माहौल को लेकर किसी तरह का कोई कदम नहीं उठाना चाहिए। मुंबई के मीरा रोड से इस तरह के मामले सबसे ज्यादा सामने आए, महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों में ये मामले सामने आए, और क्या महाराष्ट्र सरकार ने इस पर अब तक कोई भी एक्शन लिया है? क्या महाराष्ट्र सरकार को इस पर किसी तरह का कोई बड़ा एक्शन नहीं लेना चाहिए? उनसे ये सवाल नहीं उठाया जाना चाहिए कि आखिर सरकार क्या कर रही है और पुलिस की उस समय क्या जिम्मेदारी थी? क्या पुलिस वहां पर तमाशा देख रही थी जब ये लोग होड़ हंगामा हल्ला हंगामा कर रहे थे, सांप्रदायिक तनाव फैलाने की कोशिश कर रहे थे? आखिर पुलिस की सख्ती कहां थी? देश की आर्थिक राजधानी में इस तरह की चीजें कैसे हो सकती है? सोचिए, बहुत अहम सवाल है, और अब इन सवालों को लेकर के हम एक बार चर्चा करेंगे। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए कि आखिर पूरे माहौल में क्या हुआ था, किस तरीके से सांप्रदायिक माहौल तनाव पैदा किया गया और उस पर क्या अब तक के कानूनी कार्रवाई की गई है। नमस्कार, मैं सौम्य मिश्रा और आप देख रहे हैं मौलिक शक्ति। दोस्तों, मोहम्मद तनवीर ने ये वीडियो शेयर करते हुए एक ट्वीट किया है, देखिए जरा यहाँ पे क्या लिखा गया है। मीरा रोड भैदर की विधायक कह रही हैं, हम इतनी तादाद में हैं कि हमें सिर्फ 5 मिनट दे दो, हम मुसलमानों को खत्म कर देंगे। सोचिए, पुलिस से ये बात कही जा रही है, एक विधायक ये बात कह रही है कि हमें 5 मिनट दे दो, हम ये पूरा का पूरा तनाव ही खत्म कर देंगे, मुसलमानों को ही खत्म कर देंगे, बात ही खत्म कर देंगे। किस तरह की बयान एक विधायक दे रही है ये देखकर आश्चर्य होता है, और आश्चर्य से बड़ी बात यह है कि ये देखकर सोचना जरूरी है कि आखिर किस तरह की बातें, किस तरह की मानसिकता लोगों के दिमाग में चल रही है, किस तरह की मानसिकता बना दी गई है। क्या ये सब कुछ उस सब के कारण नहीं हो रहा है जिस तरीके के बयान बीजेपी के नेता लगातार खुलेआम देते रहते हैं? देखिए कि आखिर ट्वीट में आगे क्या लिखा गया है। ये हिंदू है इसलिए इनका यह भाषण हेट स्पीच में नहीं आएगा और ना ही इस पर कार्रवाई होगी। ये लोग कुछ भी कर सकते हैं क्योंकि सरकार इनकी है, कानून इनका है, जज इनका है। इसके साथ एक और ट्वीट भी है, देखिए जरा, मीरा रोड 23 जनवरी का ये वीडियो है। मुस्लिम दुकान हिंदू भीड़ के सामने गिड़गिड़ाते रहे, लेकिन फिर भी हिंदू भीड़ ने पूरे दुकान के सामान को तोड़ दिया। न सिर्फ तोड़ा गया बल्कि पिछले दिनों मैंने आपको एक वीडियो दिखाई भी थी जहां पर दुकान को जला दिया जाता है। इस तरह की हरकतें राम मंदिर उद्घाटन के नाम पर की जाती है, जय श्री राम के नारे लगाकर की जाती है, बाबरी मस्जिद की जगह मंदिर बनने को लेकर किया जाता है। आगे देखिए क्या लिखा गया है। बुजुर्ग दुकानदार को भी हिंदू भीड़ लाठी डंडे से पीट दिया, निष्पक्ष पुलिस व सरकार और न्यायपालिका बिल्कुल भी भीड़ पर कार्रवाई नहीं करेगी। निष्पक्ष जो है इसलिए क्योंकि हिंदू है तो वो हेट स्पीच में नहीं आता, वो सांप्रदायिक हिंसा फैलाने में नहीं आता। क्या ये हमारा संवैधानिक कानून जो है वो ये कह रहा है? हमारे संविधान में कहीं ऐसा लिखा है कि अगर आप जय श्री राम के नारे और हिंदू हो तो आप पर इस तरह के कोई भी कानूनी जो नियम कानून है वो लागू नहीं होते हैं, बस आपके हाथ में एक भगवा झंडा होना चाहिए और जुबान पर जय श्री राम का नारा होना चाहिए। देखिए कि आखिर हबीबी इनसाइट्स ने क्या ये ट्विटर हैंडल से पोस्ट किया है। मुस्लिम बुजुर्ग रोकने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन भगवा वस्त्र पहने गुंडे मवाली उनकी दुकान को तोड़ रहे हैं, उन्हें डंडे से मार रहे हैं। क्या कपड़ों से पहचान होगी? क्या इन गुंडों के घर बुलडोजर चलेगा या दंगा भड़काने के लिए कार्रवाई होगी? फिजा रिजवी लिखती है, मुंबई मीरा रोड सीधे सीधे मुस्लिम समुदाय पर गोली चलाने के नारे लगाए जा रहे हैं, हिंदू भीड़ लगातार मीरा रोड भयंकर में आतंक मचा रही है, इस इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है, बहुत से घर हैं, लोग 3 दिन से काम पर नहीं जा रहे हैं। क्यों नहीं जा रहे हैं? क्योंकि दहशत का माहौल है। वो अगर जा रहे हैं तो उनके मन में इस प्रकार का डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि हम घर से बाहर निकले और हमारे साथ किसी तरह का कोई हादसा हो और हमारे साथ किसी तरह की हिंसा हो जाए, क्योंकि लगातार जिस तरह की तस्वीरें सामने आई पिछले दिनों मुंबई के मीरा रोड से, जहां पर खुलेआम गुंडागर्दी की गई, भगवाधारी गैंग ने गुंडागर्दी की, सड़कों पर गाड़ियां पलटी गई, दुकानें जलाई गई मुसलमानों की, मुसलमानों के एरिया में जाकर उस समुदाय के ईश्वर को गाली दी जाती है, खुलेआम जिस तरीके से ऐसे ऐसे काम किए गए जिसे कभी भी एक सभ्य समाज में एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता है।
ऐसे में जब इस तरह की तस्वीरें सामने आती है तो ये डराने वाली है, ये भयावह है, सोचने वाला है कि आखिर ये क्या चल रहा है। इंडिया टुमारो की खबर है, जरा देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया है। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के बाद देश भर के अलग अलग इलाकों में जुलूस निकाले जा रहे हैं। इसी बीच मीरा रोड मुंबई में सांप्रदायिक झड़प की खबरें भी सामने आ रही है। रैली में शामिल हो लोग द्वारा भड़काऊ नारा लगाया जा रहा है। विवाद बढ़ जाता है उसके बाद। प्राण प्रतिष्ठा से पूर्व 21 जनवरी को और 22 जनवरी को सोशल मीडिया पर कई ऐसे वीडियो साझा किए गए जिसमें मीरा रोड पर दो समूह को एक दूसरे पर पत्थर फेंकते नजर आया गया। ये दो समूह कोई दो अन्य समूह नहीं बल्कि एक हिंदू समूह है और दूसरा मुस्लिम समूह है, जिसमें साफ तौर पे ये देखा जा रहा है किस तरीके से झंडे लेकर, भगवा झंडे लेकर ये लोग आते हैं, चार पांच के गुट में आते हैं, किसी के हाथ में कभी कट्टा देखा जाता है तो कभी किसी के हाथ में तलवार देखी जाती है, लाठी डंडों के साथ आते हैं, मारपिटाई करते हैं, हिंसा भड़काने की कोशिश करते हैं, सांप्रदायिक तनाव बढ़ाया जाता है। और ये सब कुछ एक प्लानिंग प्लॉटिंग के तहत 21 जनवरी 22 जनवरी 23 जनवरी तक किया गया है। 3 दिनों में जितना ज्यादा ये हिंसा फैलाई जा सकती थी उतनी ज्यादा फैलाई गई है। लेकिन मुंबई पुलिस उस वक्त ये सुन रही थी कि 5 मिनट दे दीजिए हम बात ही खत्म कर देंगे, ये सुन रही थी, जबकि मुंबई पुलिस को इतना एक्टिव माना जाता है तब इस तरह के हालात है। आखिर महाराष्ट्र में जो गवर्नमेंट है वो क्या कर रही है, उनके पास क्या इन चीजों की खबरें नहीं जा रही है, ये जानकारियां नहीं पहुंच पा रही है, क्या उनकी भी हालत प्रधानमंत्री के कानों जैसी हो चुकी है जहां पर कभी मणिपुर की हिंसा पहुंचती ही नहीं है, उसी तरीके से महाराष्ट्र के सीएम के कानों तक ये हिंसा, ये जो सांप्रदायिक माहौल का तनाव है, ये सारी चीजें नहीं पहुंच रही है। देखिए जरा खबर में आगे क्या लिखा गया है। पुलिस ने इस मामले में 22 जनवरी की रात तक 13 लोगों को गिरफ्तार किया है। कई मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया है कि यह हिंसा उस समय भर की जब मीरा रोड पर शोभा यात्रा निकाली जा रही थी। हालांकि स्थानीय लोगों का बयान इससे अलग है। पुलिस ने कहा कि जुलूस पर भीड़ ने पत्थरों से हमला किया जिसमें भगवा झंडे वाली कारें और बाइकें थी और इस घटना में कुछ लोग घायल हुए। जब भगवा झंडे वाली कारें थी और गाड़ियां थी तो कुल मिलाकर सीधी बात थी कि ये वही भगवाधारी गैंग है जिन्हें कुछ भी करने से पहले ये सोचना नहीं होता कि संविधान और कानून भी कोई चीज है, जिनके ऊपर कोई संविधान कोई कानून लागू नहीं होता है, जिन्हें लेकर सीधे तौर पर कह दिया जाता है कि अगर इनके हाथ में एक भगवा झंडा है तो भाई इन्हें कोई हाथ नहीं लगाएगा, वो भले पुलिस की वर्दी में वो कानून के रक्षक हैं वो क्यों ना हो, वो भी उन्हें हाथ नहीं लगा सकते हैं क्योंकि संविधान और कानून हिंदू राष्ट्र से बड़ा नहीं है। हिंदू राष्ट्र की मांग करने वाले ये गुंडागर्दी करने वाले लोगों के सामने कानून और संविधान कुछ भी नहीं है। इन तस्वीरों को देखकर साफ तौर पर यही समझ में आता है आखिर इन पर किस तरह की धाराएं लगाई गई हैं। ये जो 13 लोग पकड़े गए हैं जरा इस पे भी नजर डालिए। 13 लोग जो पकड़े गए हैं इस मामले में अब तक 2 FIR दर्ज की गई है। पहली FIR में IPC की कई धाराएं जिसमें 307 हत्या का प्रयास, 153A धर्म के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना, 295A धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए गलत कार्य करना, 341 गलत तरीके से किसी को रोकने के लिए सजा, 141 गैर कानूनी जमावड़ा, 143 गैर कानूनी जमावड़े के लिए सजा, 149 गैर कानूनी जमावड़े के लिए के किसी भी सदस्य द्वारा अपराध करना और 427 ₹50 या इससे भी ज्यादा की क्षति के लिए सजा शामिल है। इस तरह की धाराएं उन पर लगाई गई हैं और अब इसे लेकर आगे की क्या कार्रवाई होती है ये तो आने वाला समय ही बताएगा, क्योंकि जब इतने दिनों में सिर्फ ये हो सका है तो आने वाले समय में क्या हो सकेगा इसकी उम्मीद आपको भी भली भांति है और मुझे भी है। हम सब जानते हैं कि आखिर इन भगवाधारी लोगों के लिए कितना कानून है और कितनी सजा है, ये एक सबसे बड़ा सवाल महाराष्ट्र सरकार पर साफ तौर पर उठता है कि आखिर महाराष्ट्र सरकार अपनी आंखें बंद करके बैठी है, क्या गांधी जी के बंदरों वाली स्थिति हो गई है कि गलत मत देखो, गलत मत सुनो, गलत मत करो, तो करो का तो पता नहीं लेकिन सुनो और देखो वाला सिस्टम तो बिल्कुल ही अप्लाई होता है कि आंखें बंद और कान बंद करके बैठी है ये सरकार। इसे लेकर जल्द से जल्द कोई बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए
और इसकी जिम्मेदारी कौन ले रहा है, इसे भी खुलकर सामने आकर कहना चाहिए वहां की सरकार को। इसे लेकर आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसी और खबरों के लिए देखते रहिए मौलिक शक्ति।